जैसा कि आप जानते ही हैं जो पूर्वी बंगाल में तपन कुंडू जो माता झलझल के लिए का खून हुआ है, हम लोग वहाँ गए थे। उनकी वाइफ पूर्णिमा कांदू, उन्होंने डिमांड किया था हम लोगों को, बोला था हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस से मनान साहब अमिताभ चक्रवर्ती संतोष पाठक जी काउंसिलर होड़ा, हम लोग एक टीम बना करके वहाँ गए थे जो प्रदेश से जैसे हम लोग को निर्देश मिला था। तो जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो जिनका खून हुआ था कांग्रेस का काउंसिलर का वाइफ की काउंसिलर पूर्णिमा कांदू, उन्होंने हम लोगों से डिमांड किया था कि मेरा हस्बैंड का जो कातिल है, जो मेरा हस्बैंड का खून किया है, तो उसके लिए हम लोगों को बंगाल पुलिस से भरोसा उठ चुका है, इसलिए हम लोग इसका सीबीआई डिमांड करें कराइए और ताकि सीबीआई का देख रेख में उसका कातिल का सही मुकाम तक पहुंच पाए और तपन कुंडू को इंसाफ मिल पाए। वहाँ के लोगों का भी यही डिमांड था, उनकी वाइफ प्रतिमा कांदू का भी यही डिमांड था, उनका बेटा से भी हम लोग मिले थे, उनके बेटा साइंस का एक अच्छा स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाहता है। तो उनके पूरे परिवार ने जो हम लोग से डिमांड किया था, हम लोगों ने ऊपर माल में पहुँचाया अनंत साहब का नेतृत्व में, तो आज ऊपर वाला का दवा से हाई कोर्ट ने सीबीआई का जांच का आदेश दे दिया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जो मुजरिम है सही मुजरिम को पकड़ कर करके उसको उसका अंजाम तक पहुँचाएँ, सलाखों में जाए, कारागार में जाए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं, ताकि और दूसरा तपन कुंडू का बंगाल में खून ना हो। इसी तरीके से रामपुर हाट तपन कुंडू अनिश खान बहुत सारे लोगों का हफ्ता दिन के अंदर में 26 लोगों का खून हो गया था मगरी बंगाल में। हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग किस बंगाल में रह रहे हैं, जिस बंगाल में दीदी इंसाफ की लड़ाई के लिए जानी जाती है, आज उसका बंगाल कहीं ना कहीं हर जगह खून खराबा में हो रहा है। तो आज कहीं ना कहीं उन लोगों को धक्का लगा होगा जिन लोग उनको शामिल करना चाहते थे, और वो शामिल ना होकर के अपने अफेदारी ना पलटे, वो हमेशा अफेदार बना रहे कांग्रेस का। जब समझ में नहीं आया तब आखिरकार में उनको खून कर दिया गया था। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि तपन कांदू को अब इंसाफ मिल पाएगा और जो लोग उनको खून किए थे कारागार में जाएगा, और सीबीआई के तरफ में मगरी बंगाल और झालदा के लोगों का नज़र टिकी हुई है। झालदा के लोग यकीनन वहाँ के लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जो वहाँ गए थे जो डिमांड रखा था, शायद सीबीआई का इंक्वायरी नामुमकिन सा लग रहा था, मगर